नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, नेटवर्क महानगर न्यूज के साथ में। और आज हम हैं धारावी के 90 फीट रोड पर। और जिस तरह से हमारे पीछे एक क्राउड जो हम देख रहे हैं, ये धारावी फाउंडेशन का जो क्राउड है और धारावी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं असगर हुसैन जी, आज उन्होंने केरला वासियों के लिए जो एक चंदे का, एक डोनेशन का, एक रैली का आयोजन किया है। आज धारावी के तमाम ही नौजवान उनके साथ में हैं, बहुत सारे बच्चे उनके साथ में हैं, बहुत सारे जो लोग उलमाए दीन उनके साथ में हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो रिलीफ है हजरत, जो हमारे मोहल्ले के, हमारे एरिया के मौजूद माने जाते हैं, किस तरह से आप मदद के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। भाई, केरला की सैलाब ज़्यादा इंसानों की मदद के लिए हम आगे आए हैं, और ये फाउंडेशन कमेटी जो है ये सब उसी काम के लिए आगे आए हैं। आप सब लोगों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। कि आज जिस तरह का आयोजन आपने किया है डोनेशन के लिए, केरला के रिलीफ के लिए, तो इसमें क्या आपका एक खास विशेष है? जाने दो भाई। देखिए, केरला में जो आपदा आई है उसे हम किसी भी हिंदुस्तानी को भूलना नहीं चाहिए कि आज उनको जितनी ज़रूरत है लोगों की, लोगों के हाथ की, जितने ज़्यादा हाथ रहेंगे उतना ज़्यादा होगा। और हमें उनकी इस सिचुएशन में सबको साथ मिलकर खड़ा रहना चाहिए, और हमने कोशिश वही करी है कि हमसे जो हो सकता है, हम धारावी वासियों से हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ में जो एक कार्यकर्ता नवाब अंसारी जी, आप यंग होने के बावजूद आपको इंटरनेट या मोबाइल पे समय नहीं मिलता, लेकिन आज इसके लिए किस तरह से समय आपने निकाला है? इसमें निसार भाई, ऐसा है कि अल्लाह ना करे कि कोई देश में या कोई ऐसे स्टेट में आए, और आए तो उसके लिए हम लोग फंड कलेक्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए। मैं पूरे धारावी के जो हमारे दोस्त है, हमारे असगर हुसैन साहब जो बात रखे, यूसुफ भाई, हमारे मिराज भाई जो ये नियति रख के करे, ये बहुत अच्छा काम है। इसको इंशाल्लाह अज़र हमको कल कयामत में भी और दुनिया में भी मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है निसार भाई कि अगर इस तरीके का माहौल कोई भी स्टेट में बनता है तो उस चीज़ के लिए हमको बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में, मिराज खान जी हैं जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक धारावी का चर्चित चेहरा होने के नाते वो आज इस डोनेशन कैंप में साथ में। मिराज खान जी, किस तरह का एक आप मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धारावी फाउंडेशन सारे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत ही खुशी इस बात की कि लोग किसी की तकलीफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और मुझे भी स्पेशली मौका मिला है आज। तो वो जो केरला में आई तबाही, जो बर्बादी, वो उनकी नहीं, हमारी है। आज हम धर्म जाति से बढ़ के इंसानियत के नाते निकले हैं, और बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं हम लोगों को, तो धर्म और जाति से बढ़ के इंसानियत का जो परचम लहराने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने ये एक ठाना है कि नहीं, इंसानियत का परचम कितना ऊँचा है धर्म जाति से बढ़ के, तो इसीलिए हम लोग निकले हैं कि नहीं, मदद का हाथ बढ़ाना है, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। तो बिल्कुल तहे दिल से इस बात को लेके हम लोग निकले हैं कि नहीं, एक इंसानियत का परचम लहराना है और धारावी का नाम रोशन करना है कि धारावी के लोगों का दिल कितना बड़ा है। अब मिराज खान जी ने जिस तरह से बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि जो एक हाथ है वो धारावीकरों का हाथ हमेशा हर काम के लिए आगे रहा है, और सरकार का जो एक अपना विकल्प रहा है कि सबका साथ सबका विकास, वो तो अपनी जगह सरकारी नारा है, लेकिन आज धारावी की सड़कों पर जो एक आम जनता, धारावी फाउंडेशन और एफसी जिम के जो डायरेक्टर हैं असगर हुसैन जी, उनको लेकर के जिस तरह से आज रोड पर और गली मोहल्लों में जो लोग उतरे हैं डोनेशन के लिए, ये अपने आप में एक विशेष है।